अमित शाह नो निर्धार। केंद्रीय गृह और सहकार प्रधान अमित शाह की अध्यक्षता में गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 102 मां अंतरराष्ट्रीय सहकार दिवस की उजवणी थई। आ विशेष कार्यक्रम में गुजरात सहित देशभर में सहकारी क्षेत्र आगेवानों प्रतिनिधिओ सभासदों उपस्थित रहा, जे अंतर्गत अंदाजे 5000 थी वधु प्राइमरी एपेक्स बॉडी सभ्यों 200 थी वधु राशि कक्षा सहकार प्रतिनिधिओ दूध मंडळीओ संघों सहकारी संघों एपीएमसी सहित विविध सहकारी क्षेत्र साथ जोड़ायेला संगठनों आगेवानों तथा सभासदों हाजर रहा। कई सालों से सहकारिता क्षेत्र की मांग थी कि एक स्वतंत्रता सहकारिता मंत्रालय बनाया जाए, परंतु कांग्रेस के आकाओं को इसकी जरूरत महसूस नहीं। मोदी जी गुजरात की धरती से आते हैं, जहां से सरदार पटेल, त्रिभुवन दास पटेल और महात्मा गांधी ने सहकारिता की नींव डालने का काम किया था, और उसी क्षेत्र से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर गए, इसी राज्य से गए, इन्होंने सहकारिता की आज की जरूरियात को समझकर स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में स्थापना करने का काम हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात सरकार का तो धन्यवाद करता ही, साथ में सभी किसानों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार नैनो यूरिया का छिड़काव करते हैं, बाद में थैली से घन यूरिया डालने की जरूरत नहीं। इससे आपका क्रॉप भी बिगड़ेगा, भूमि भी बिगड़ेगी। ये तरल नैनो यूरिया और तरल नैनो डीएपी जो है, प्रवाही यूरिया और प्रवाही डीएपी है, ये पर्याप्त है आपके क्रॉप के लिए, ये पर्याप्त है ज्यादा उत्पादन। रविवारे सवारे 4 वागे अमित शाह जगन्नाथ जी मंदिर खाते मंगला आरती में उपस्थित रहना है, जे बाद सवारे 10:30 नारायणपुरा में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स हॉस्पिटल उद्घाटन करते, सवारे 11 वागे आंबावाड़ी खाते विद्यार्थी भवन उद्घाटन कार्यक्रम में हाजरी आपशे।